प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया पर न्यूज फैल रही है, अभी जो न्यूज चल रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्या दोबारा नीट हो सकता है क्या। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि तमिलनाडु ने एक विधेयक पास किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जिसमें यह कहा गया है कि तमिलनाडु के बच्चे नीट नहीं देंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा वो 12th के मार्क्स के बेस पर ही होगा। तो इन दोनों विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और इसमें जो आपका क्वेश्चन क्वारीज होगा वो मैं सोचता हूं कि इस बुक से हल हो जाएगा। तो इसको आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारी वेबसाइट chopraeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो हमारी टीम, आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे तो आपसे संपर्क कर लेगी, मैं आपसे बात कर लूंगा। आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक के बारे में। तो आप सब लोगों को ये पता है कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन ये स्लाइटली लीक हुआ है, यानी कि ब्लक में लीक नहीं हुआ है, ये जयपुर के किसी सेंटर से लीक हुआ है और इससे सिर्फ एक ही स्टूडेंट इफेक्टेड है, अभी तक यही सामने आया है। तो प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है कि जिसमें बहुत कम स्टूडेंट इफेक्टेड होते हैं जिससे, तो वो रीनीट नहीं होता है, दोबारा एग्जाम उसका नहीं होता है। 2017 में भी काफी इस प्रकार की हुई थी लीक की, काफी न्यूज चली थी, इसका केस भी हुआ था, लेकिन 2017 में तो इससे बड़ा केस था, उस समय भी जब रीनीट नहीं हुआ, तो इस बार तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि दोबारा हमारा नीट का एग्जाम लग जाएगा, उनके लिए ये दुख भरी कहानी है, दुख भरी बात है कि दोबारा नीट नहीं होगा। तो अगर आप के मार्क्स काफी कम हैं तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हैं, आपके मार्क्स ठीक हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि मेरे जहां तक मेरे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कि नीट दोबारा नहीं होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि तमिलनाडु स्टेट में जो इन्होंने एक विधेयक पास किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जिसमें ये कहा गया है कि तमिलनाडु स्टेट के लिए जो एडमिशन होगा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, तो वो उसके लिए नीट नहीं होगा, वो 12th के मार्क्स के बेस पर होगा। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में ये काफी सालों से इस बात पर अपोज किया जा रहा है, बहुत बार ये अपने जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने याचिका दायर की थी, तो ये पहले से ही चल रहा है ये कयास। अभी इन्होंने अपने गवर्नमेंट में ये संसद में विधेयक पास किया है और वो विधेयक अभी पास करके मंजूरी के लिए जाएगा हमारे प्रेसिडेंट महोदय के पास। अब वो इस पे क्या डिसीजन लेते हैं, क्या होता है, वो आगे की बात है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि तमिलनाडु में अगर नीट नहीं होता है, उनका एडमिशन 12th के बेस पर होता है, तो इसके लिए इफेक्टेड सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के बच्चे ही हैं, बाकी स्टेट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तमिलनाडु 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता है वो एजीटीजी रहेगा, यानी कि 15% से ऑल इंडिया कोटा के तहत सारे बच्चे तमिलनाडु स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं 15% सीटों पर, बाकी जो वहां की 35% मैनेजमेंट सीट्स हैं उन पर भी ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेज में। तो बाकी स्टेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के ही बच्चे इफेक्टेड होंगे अगर इसको अनुमति मिल जाती है प्रेसिडेंट महोदय से। तो ये दोनों बातें मैं सोच रहा हूं आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि सबसे पहला पॉइंट ये कि रीनीट होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, दूसरा पॉइंट तमिलनाडु स्टेट में अगर नीट नहीं होता है तो ऑल इंडिया कोटा
या ऑल इंडिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। तो मैं सोच रहा हूं ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।